सिटी इंडिया। उधर गाजा में मदद के लिए आई चीजें लेने के लिए जुटे लोगों पर बड़े हमले का दावा किया गया। आरोप लगा कि खाने पीने का सामान लेने के लिए पहुंचे लोगों पर इजराइल की सेना ने गोलियां दाग दी। बताया गया कि इस हमले में 70 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए, जिन्हें बचाने के लिए गाजा के अस्पताल ले जाया गया। हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें लोग घायलों को लेकर भागते दौड़ते नजर आए। इस दौरान अस्पताल के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी, लोग घायलों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। वहीं कुछ लोग इसराइल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखाई दिए। वहां मौजूद महिलाएं भी भड़क गईं और इसराइल की सेना का विरोध जताया। बताया गया कि गाजा में खाने पीने का सामान लेने के दौरान ही शरणार्थी कैंपों में रहने वाले लोगों पर हमला कर दिया गया। आरोप लगा कि इसराइल की सेना ने अचानक भीड़ पर फायरिंग कर दी और गोली लगने की वजह से 70 लोग मारे गए। और इसके विरोध में गाजा में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहां शरणार्थी कैंपों में खाने पीने की चीजों की कमी की वजह से लोग भड़क गए। उन्होंने राहत का सामान न मिलने के लिए इसराइल की सेना को जिम्मेदार ठहराया और गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी कर दी। गाजा में विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और इसराइल की सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में वहां शरणार्थी कैंपों में रहने वाले कई बच्चे भी शामिल हुए, जो टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए और कुछ बच्चे तो जलते टायर में लात मारते भी दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां घेराव कर लिया और हंगामा करते रहे। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में मिस्र, जॉर्डन, यूएई और कतर जैसे देशों ने गाजा के लिए बड़े पैमाने पर खाने पीने का सामान भेजा, लेकिन शरणार्थी कैंपों तक खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाया। आरोप लगा कि इसराइल की सेना ने सख्त घेरेबंदी कर दी और सामान शरणार्थी कैंपों तक पहुंचने नहीं दिया और इसके खिलाफ वहां लोग भड़क गए।